गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आज आपको ऑर्गेनिक सेक्शन का एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है नमनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत हैं, अगर हम उसकी नेमिंग करने को तरीका को नहीं सीखेंगे तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं नमनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको दो तरह से नेमिंग किया जाता है, एक को बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम या उसको ट्राइवियल नेम सिस्टम भी बोला जाता है, दूसरा है हमारा जो मेन है वो IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो पहले हम लोग बात करते हैं खास करके कॉमन नेम की, ठीक। तो ये है हमारा कॉमन नेम और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्राइवियल नेम, ओके। और दूसरा जो है हमारा IUPAC सिस्टम के थ्रू। पहले हम लोग बात करेंगे इनका। तो अर्लियर डेज में जो भी कंपाउंड का डिस्कवरी होता था, खोज होता था, तो उसका जो नाम जो रखा जाता था वो हमेशा उसके सोर्स हिस्ट्री के बेस पर रखा जाता था, यानी वो जिस सोर्स से वो मिला है, ठीक है, उसी से उसका नेम को लिंक किया जाता था। यानी ये जो है वो हमारा सोर्स हिस्ट्री के बेस पर इसकी नेमिंग किया जाता था, ठीक है। तो कुछ हम लोग एग्जांपल पर बात करते हैं। एग्जांपल में लेते हैं हमारा CH3OH, आज इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये अर्लियर डेज में ये लकड़ी से बनता था, वुड से बनता था, और वुड का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता था तो उसका जो मेन कंपोनेंट जो होते थे वो यही होता था। तो उस वुड से इस कंपाउंड का नेमिंग किया गया और उसको बोला गया वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। और ये किससे बना था, वुड से बना था और वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किए थे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ये हमारा मिथाइल अल्कोहल बनता है, ओके। पहले इसको नोट कर लो फिर मिटाते हैं, ओके। एक और है हमारा एसिड, ये HCOOH, बताओ क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, इधर लिख देते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक। अब देखो इसका मेन जो सोर्स है वो रेड एंट, ये रेड एंट से बना था, ठीक है ना। रेड एंट को क्या करते थे, वो वाटर में डालकर बॉयल करते थे, उससे जो केमिकल्स एसिड निकलता था उसका मेन कंपोनेंट हमारा क्या था, आपको फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, ओके। ये लैटिन में, ये एक लैटिन वर्ड फॉर्मिका है और उस फॉर्मिका का मतलब होता है एंट, लैटिन में एंट को फॉर्मिका बोला जाता है और उसी से ये हमारा एसिड बना, फॉर्मिक एसिड। तो अब यहाँ पर एसिड में लास्ट में देखेंगे ईक एसिड लगा रहता है, तो जब भी हम कॉमन नेम की बात करेंगे एसिड का, ठीक है ना, तो उसमें आप देखोगे ईक एसिड उसका सफिक्स लगा रहेगा, जैसे अभी हमने क्या बात किया, फॉर्मिक एसिड का, ठीक। अगर हम एक और कार्बन को आगे बढ़ाएं उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये रियल में विनेगर जो केमिकल्स है उसका ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी चीफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा एसिटम ग्रीक वर्ड से बना है और एसिटम ग्रीक वर्ड में या लैटिन वर्ड में उसको बोला जाता है विनेगर, एसिटम को, ठीक है। तो देखो एसिटम को विनेगर है और विनेगर का मेन कंपोनेंट है, इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। अगर हम एक और कार्बन को अगर लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तीन कार्बन है,
ओके, ये जो है प्रोटोपियन वर्ड से बना है, प्रोटोपियन वर्ड से बना है और ये फैट से डिराइव किया गया है, ये फैट से मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फैट। उसमें जितने कार्बन है उतना ही इसमें भी है और उसको प्रोटोपियन बोला जाता है और इसी से इसका नेमिंग किया गया प्रोपियोनिक एसिड। अगर हम यहीं पर चार कार्बन का अगर ले एसिड तो इसको हम लोग ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। इसका जो सोर्स है वो बटर है, यानी ये बटर से बना है और लैटिन में बटर को ब्यूटायरम बोलते हैं, ब्यूटायरम, ये सब लैटिन वर्ड है और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना। अगर एक और कार्बन बढ़ा दें, पांच कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ये रियल में वैलेरियन वर्ड से बना है, रियन वर्ड से बना है, जिस ये रियल में वैलेरियन का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है ना। लैटिन में उसको सरब बोलते हैं और इस तरह से इसका नेमिंग पड़ा हमारा वैलेरिक एसिड, ठीक। इसको ऊपर से कुछ मिटाते हैं, अगर एक और कार्बन ले लें CH3 CH2 4, ये ऐसा छह कार्बन है, इसको हम बोला जाता है कैप्रोइक एसिड, ठीक है ना, कैप्रोइक एसिड बोलते हैं। ये रियल में इसका सोर्स है गोट, बकरी, ठीक। ग्रीक वर्ड में इसको केपर बोलते हैं, केपर का मतलब गोट, ये लैटिन वर्ड और इसी से इसका नामिंग किया गया है। ये एक है मालोनिक एसिड, मालोनिक एसिड, ये रियल में एप्पल से आया, एप्पल से, और ग्रीक में एप्पल को मैलम बोलते हैं, मैलम, मैलम में एप्पल और उसी से ये बना है तो इसको हम लोग एसिड बोलेंगे। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है CHOH और यहाँ पर COH लगा देते हैं, ठीक। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कॉमन नेम शुरू में जो लिखे जाते थे वो हिस्ट्री के बेस पर लिखे जाते थे, सोर्स हिस्ट्री के बेस पर, और इस तरह से बहुत से जो केमिकल्स मिले उसका नेमिंग किया गया, जिसमें हमने 3-4-5 आपको नोट कराए। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल यूनिट उसका, तो उसमें हम लोग इसकी नेम को डिटेल से जानेंगे, ठीक है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेम हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करेंगे, हाइड्रोकार्बन से ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो तरह से कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC कर दे हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो होता है अनसेचुरेटेड। ये सब बेसिक बातें हैं, आप जानते भी होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब ये है कि नो नीड हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ठीक। एक्चुअली सेचुरेटेड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन,
अब उसको कार्बन को हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट फुलफिल हो गया है, ठीक। और उसके जो मेंबर जो होते हैं वो अल्केन होते हैं, और इसकी पहचान है कि जितने भी कार्बन होंगे उस सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और ऑल में सभी में, ठीक है ना। ओके, इसका अर्थ है कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते, ये अल्केन है। और अनसेचुरेटेड में जिसको नीड है, नीड हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोजन दिया जाए तो वो ले सकते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब अनसेटिस्फाइड, इसका अर्थ ये है कि अभी भी हाइड्रोजन लेने की उनकी टेंडेंसी है, ठीक है ना। और ये हम लोग का दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं अल्कीन और एक को बोलेंगे अल्काइन, ठीक। अल्कीन में कहीं पर दो एटम कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो गए, कम से कम एक, और अल्काइन में दो एटम के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अल्काइन। और ये दोनों अनसेचुरेटेड कहलाएंगे, इनको भी हाइड्रोजन लेने की टेंडेंसी है, इनको भी हाइड्रोजन लेने की टेंडेंसी है, ठीक। ये अल्केन है, इनकी अगर हम जनरल फार्मूला लिख दें तो CnH2n+2 होता है, ठीक। इनका क्या होगा, CnH2n, और इनका CnH2n-2। तो हम लोग वन बाई वन अल्केन अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अल्केन का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये सेचुरेटेड, जनरल फार्मूला CnH2n+2। ओके, ठीक। इसकी कॉमन नेम जो करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं, आप प्लस एन सफिक्स लगाते, ये एन जो है वो हमारा सफिक्स होता है। फर्स्ट वर्ड रूट जो है एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग, उसको पढ़ते हैं मीथ, और उसमें एन लगा देते हैं, तो उसको हम लोग CH4 मीथेन बोलेंगे, ठीक। हाँ, दो कार्बन अगर हो तो इथ प्लस एन इथेन, तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और इस तरह से हम लोग इसके लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोलेकुलर फार्मूला CH4 C2H6 C3H8, ऐसे लिखेंगे। ये सब चीज़ आप बेसिकली जानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कॉमन नेम जो है वो हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। C5 को हम लोग पेंटेन बोलेंगे, 6 को हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ये 10 तक ले नॉर्मली सब जानते हैं। अगर हम 11 नंबर को बात करें तो इसको अनडेकेन पढ़ेंगे, अनडेकेन, लास्ट में एन होना ही चाहिए। C12 को डोडेकेन पढ़ते हैं, ठीक। C13 वाले के जो अल्केन होंगे उनको हम ट्राइडेकेन पढ़ेंगे। C14 को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राडेकेन, डेकेन। C15 को पेंटाडेकेन, 16 को हेक्साडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, ठीक है ना, नोनाडेकेन। और C19 को क्या बोलेंगे, नोनाडेकेन। और C20 का ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको आइकोसेन पढ़ते हैं, ठीक। 20 तक लेके ही रहते हैं, अगर आपको और पढ़ना है तो किसी रेफरेंस बुक के हेल्प से जाकर आप पढ़ सकते हैं, या फिर कभी टाइम मिलेगा तो 50 तक मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं
20 तक ही, इस तरह का ये नेमिंग हमारा अल्किन का हो गया। अब कुछ सीखते हैं अल्किन का। अल्किन का इसमें हम लोग जान गए हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ठीक है ना। इसमें नेमिंग करने में वर्ड रूट तो चाहिए और सफिक्स इसका इन होता है। इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो दो कार्बन से शुरू होता है, ठीक। इसको हम लोग इथाइलीन पढ़ते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, पेंटाइलीन, लास्ट में ये इन रहेगा, ठीक। और इस तरह से इसकी नेमिंग हम लोग, और देखिए ये प्रोपाइलीन अगर एक और आ जाए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन, पेंटाइलीन, हेक्साइलीन, हेप्टाइलीन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम इसी तरह से इस कार्बन को अगर हम लिखें CH, तो इसको हम लोग अल्फा के फॉर्म और इसको बीटा लिख सकते हैं, इसका हम लोग बीटा ब्यूटाइलीन लिख सकते हैं और इसे हम अल्फा ब्यूटाइलीन लिख सकते हैं। IUPAC में 1-butene और इसको 2-butene बोलेंगे, आजकल कॉमन नेम में भी चल रहा है, लेकिन हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा के टर्म में इसको लिखेंगे तो ये इजी होगा। तो इस तरह से हम लोग अल्किन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे अगर हमको इस तरह से लिखना है, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन, तो आइसो नियो वाला टर्म हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल सीखेंगे, लेकिन इस तरह से हम लोग अल्किन का कॉमन नेमिंग कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं अल्काइन का नोमेनक्लेचर। अल्काइन, इसकी जनरल फार्मूला तो जान गए हैं CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट मेंबर होने के लिए दो एटम का होना जरूरी है, तो इसका फर्स्ट मेंबर यही है और इसको हम लोग एसिटाइलीन बोलते हैं, एसिटाइलीन, ठीक है ना, ओके। अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें और इस तरह से लिखे तो ये हमारा एसिटिलीन, एसिटिलीन का ही डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल एसिटिलीन, देखो मिथाइल एसिटिलीन, ठीक। अगर यहाँ पर एक और लिख दें CH3CH2C CCH, तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा और इथाइल एसिटिलीन इसको लिखेंगे। अगर यही मिथाइल एक साइड में कर दे और इसका मिथाइल मिथाइल एसिटिलीन है, यानी डाई मिथाइल एसिटिलीन बोलेंगे। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल और इसको मिथाइल बोलते हैं, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। तो इस तरह से हम अल्काइन का भी कॉमन नेम लिख सकते हैं। जब हम लोग अल्काइन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारा अल्किन, अल्केन और अल्काइन का वो ऐसा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसका कॉमन नेमिंग हम कैसे करेंगे।
आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन्स और इससे रिलेटेड हम लोग नॉर्मल आइसो और नियो कंपाउंड्स का, क्योंकि कॉमन नेम में इसकी कुछ खास इम्पोर्टेंस है और इसलिए इसको जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो पहले हम लोग डिग्री के बारे में जानें। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन इसको हम लोग नोटेशन 1 लिख के ऊपर डिग्री लगा देते हैं, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। तो पहले इसको देखते हैं कि ऐसे लिख दें, ये कार्बन अगर सिर्फ ओनली वन किसी दूसरे एक कार्बन से अगर अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए, sp3। उसी तरह से देखो कि ये भी कार्बन सिर्फ एक ही ये कार्बन से अटैच है, ठीक है ना, बाकी सभी हाइड्रोजन से अटैच है तो भी ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। तो प्राइमरी कार्बन को हम यूँ लिख सकते हैं कि उस कार्बन को प्राइमरी कहेंगे जो ओनली वन कार्बन से ही अटैच हो, ठीक है ना, यानी दोज कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन, ओनली कार्बन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और कंडीशन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, यानी वो कार्बन जो दूसरे से अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, ठीक। जो इसमें हमने ये देखा ये प्राइमरी का है। अगर हम इसको सेकेंडरी कार्बन अगर लिखो, सेकेंडरी कार्बन, इसका नोटेशन कैसे देंगे, 2 डिग्री। इसमें सेम डिफिनीशन है लेकिन उस कार्बन को अगर हम बोलेंगे सेकेंडरी जो दो कार्बन से अटैच हो, अगर ये हमारा 2 डिग्री है, ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना चाहिए लेकिन ये दो अनदर कार्बन से अटैच होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। यानी इसकी अगर हम लोग डिफिनीशन अगर लिखें तो सेम टू सेम रहेगा कि दोज कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन्स, ओनली टू कार्बन्स, उसको सेकेंडरी बोलेंगे। सेम टू सेम क्या होगा, अगर टर्शियरी कार्बन की अगर हम लोग बात करें, टर्शियरी कार्बन की बात अगर करें बोले तो 3 डिग्री इसको बोलेंगे। इसके लिए डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच, सब कुछ सेम रहेंगे और वो 3 कार्बन से अगर वो अटैच हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्शियरी कार्बन, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने एक डिफिनीशन देख लिया कि प्राइमरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे और टर्शियरी किसको बोलेंगे। ओके, नोट इट। तो पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है। अगर हम ऐसे कंपाउंड लिखें CH3 CH2 CH3, इसको नॉर्मल प्रोपेन बोलते हैं। अगर कहेंगे कि इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, इसको हम ऐसे लिख दें, फर्स्ट कार्बन जो है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ओनली वन, तो इसलिए ये 1 डिग्री। ये थर्ड नंबर कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री। और ये जो है वो राइट और लेफ्ट दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री का ये होगा, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी है, दोनों टर्मिनल जो कार्बन है वो हमारा प्राइमरी और इंटरनल जो कार्बन है वो हमारा सेकेंडरी है। और साथ साथ एक भी सीखेंगे कि प्राइमरी कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे और सेकेंडरी कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन का जो नेमिंग होता है वो कार्बन से गाइड होता है,
तो प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देख लो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि सिक्स जो है वो हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और ये जो है टू जो है वो सेकेंडरी हमारा हाइड्रोजन है। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें कुछ ऐसा, ये इसको हम लोग आइसोपेंटेन बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसको देखो, ये कार्बन को देखो, ये फर्स्ट कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वन डिग्री कार्बन है, ये भी हमारा वन डिग्री ही है, ये लास्ट वाला भी वन डिग्री है, लेकिन ये बीच वाले में डिग्री चेंज है। ये कार्बन को देखो, लेफ्ट भी राइट भी अब भी तीन कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शियरी है और ये हमारा क्या है सेकेंडरी। इस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा, और इन पर प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन प्राइमरी है लेकिन इक्विवेलेंट है, लेकिन ये प्राइमरी से डिफर है, ठीक, क्योंकि इनकी पोजीशन थोड़ा अलग है। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। कुछ इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इसको पहचान, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो ध्यान देना है कि ये कार्बन इसी कार्बन से अटैच है, तो ये वन डिग्री है, लेकिन ये कार्बन इधर और इधर है एक हाइड्रोजन, तो ये थ्री डिग्री हाइड्रोजन है, और ये जितने भी कार्बन है वो सभी के सभी टू डिग्री। तो इसमें हमारा वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री तीनों हाइड्रोजन है। अगर हम इसे ऐसे लिखें और कार्बन भी, इसे देखो यहाँ पर देखो, ये वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, लेकिन ये टू डिग्री क्योंकि ये दो कार्बन से अटैच है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये फोर डिग्री कार्बन। तो फोर डिग्री कार्बन का मतलब ये है कि उसके चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से ही फिक्स हो गया हो, तो वो हमारा फोर डिग्री आपको कार्बन कहलाएगा, और बाकी वाले क्या हैं, सभी टू डिग्री है, ठीक। और अभी हम लोगों ने सीखा कि वन डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये सभी सेकेंडरी हाइड्रोजन है, लेकिन क्वार्टनरी हाइड्रोजन होगा क्या, तो फोर डिग्री कार्बन को बोला जाता है क्वार्टनरी कार्बन, और इस पर कोई हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो फोर डिग्री हाइड्रोजन का कोई कंसेप्ट नहीं है, और गौर से देखो इसमें सभी का हाइड्रोजन जो है कार्बन जो है वो sp3 यूनिट है। तो इस तरह से हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन प्राइमरी हाइड्रोजन है, कौन सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्शियरी और क्वार्टनरी कार्बन है, और इस पर जो हाइड्रोजन अवेलेबल होगा उसी कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नियो, आइसो और नॉर्मल की बात। तो नॉर्मल अल्केन, ये जो नॉर्मल है ये प्रफिक्स है, तो कहीं पर भी नॉर्मल अल्केन अगर लिखा है तो सभी कार्बन जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। नॉर्मल अल्केन का मतलब होता है कि ऑल कार्बन्स चेन आर इन कंटिन्यूअस फॉर्म, सभी के सभी कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो हमारा नॉर्मल है। जैसे कहीं पर लिखा है C4H10 और ये इसका हम लोगों लिखना है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक। तो
तो इसमें जितने भी चार कार्बन हैं वो सभी के सभी सीधे होना चाहिए, कंटिन्यूस में होना चाहिए, कोई ब्रांच इसमें नहीं होना चाहिए, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। अगर यहीं पर हम लिखें कि नॉर्मल प्रोपेन लिखें, तो इसमें तीन कार्बन होते हैं प्रोपेन में, तो वो भी जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, सीधा ही होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल हेक्सेन हमको लिखना है तो इसमें छः कार्बन, और छः के छः जो होंगे वो सभी क्या होंगे, स्टेट में होंगे। तो ये हमारा कंडीशन है नॉर्मल का, ठीक। ओके, तो ये है नॉर्मल का कंडीशन। आइसो की बात करते हैं, तो आइसो अल्केन कैसे लिखेंगे, आइसो अल्केन, तो जितने भी कार्बन होंगे आइसो अल्केन में सभी कंटिन्यूस लिखेंगे एक्सेप्ट वन, यानी हम कहेंगे कि ऑल कार्बन्स आर रिटेन इन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एक्सेप्ट वन अल्काइल ग्रुप, वन कार्बन, एक कार्बन को छोड़कर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल आइसोपेंटेन का, आइसोपेंटेन ये हमेशा याद रखना है, आइसो जो है प्रफिक्स है, पहले जो लगता है वो प्रफिक्स कहलाता है, ठीक। ये पेंटेन है तो इसमें कितने कार्बन है, पांच है, तो C5 इसका H12 ये हो गया, तो पांच में से एक को कम कर देंगे, यानी चार कार्बन को हम स्टेट में लिखेंगे, ठीक। और एक कार्बन को हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट पर लगाते हैं, यानी ये समझना है, यहाँ पर नोट में लिखता हूँ कि सभी स्टेट में होना चाहिए, और जो ब्रांच में आएगा वो क्या होना चाहिए, सेकेंड लास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अल्काइल ग्रुप, यानी ब्रांच अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए, ब्रांच अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए मस्ट बी अटैच टू, ठीक है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पर अटैच होना चाहिए। तो देख लो, अगर हम इसको लास्ट कहें तो ये हमारा सेकेंड लास्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, इसमें सभी कार्बन को अटैच करते हैं, तो ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन, ठीक। अगर यही बात लिखा जाए आइसोब्यूटेन का, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है, तो कहेंगे कि चार, तो चार में तीन को हम स्टेट में करेंगे, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेकेंड लास्ट यही आता है, तो ये अगर हो गया तो ये हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक। तो आइसोपेंटेन हम लोगों ने लिख लिया, अब हम लोग बात करेंगे आइसोहेक्सेन का, ठीक। इसमें कितने कार्बन है, छह, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14, ठीक। तो छह कार्बन में से एक कम कर देंगे, पांच को ही हम लिखें, 1, 2, 3, 4, 5, और ये अगर इसको हम लोग कंटिन्यूस करें तो ये सेकेंड लास्ट है, तो ये यहाँ पर हम लगा दें, बाकी हाइड्रोजन को हम लोग फुलफिल कर लेते हैं, ओके, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोहेक्सेन, और ये ऐसा देखो आइसोहेक्सेन, ठीक। अगर इसमें हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये दोनों एक ही जैसा है, ये कितना का होगा, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये हमारा 1 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग आइसोहेक्सेन में कौन कार्बन कितने डिग्री के हैं, कौन हाइड्रोजन कहलाएगा, हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं। तो आइसोहेक्सेन सेम टू सेम आइसो हमारा हेप्टेन, ठीक। हेप्टेन अगर लिखे तो इसमें कितने होंगे, 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे, 16 होंगे, तो इसमें से एक कम करके सब स्टेट कर देते हैं, तो 6 कार्बन जो होंगे
1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अगर सेकेंड लास्ट इसको माने, लास्ट ये है तो सेकेंड लास्ट ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया आइसोहेप्टेन। और बाकी सब इसमें हम लोग हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, ठीक। और एक सबसे टेक्निकल बात हम लोग सीखने वाले हैं आइसो ऑक्टेन का, ठीक। आइसो ऑक्टेन को ऐसे ही अगर सीक्वेंस अगर लिख है, आइसो ऑक्टेन है तो 8 कार्बन है, C8H18, तो इसमें 7 कार्बन हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसा लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है ना। गलत इसलिए है कि ये आइसो ऑक्टेन जो है वो एक डिफाइंड टर्म है, डिफाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है। एक ऑक्टेन नंबर होता है जो फ्यूल की अच्छे क्वालिटी के रेटिंग करता है, ठीक है ना, उसी को रेफरेंस लिया गया है और उसी को आइसो ऑक्टेन कहा गया है। तो ये हमारा सीक्वेंस के अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन वो एक डिफाइंड है या उसको हम एक एक्सेप्शन भी मान सकते हैं। और वो ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखते हैं। अगर इसकी हम लोग नेमिंग करें तो 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, और ये हमारा आइसो ऑक्टेन है, ठीक। इसी से ऑक्टेन नंबर का फॉर्मेशन हुआ है और उसी से फ्यूल की गैसोलाइन की क्वालिटी का कंफर्मेशन किया जाता है। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर एक्सेप्शन आता है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन। लेकिन अगर आइसो नोनेन लिखना है तो बस वही रूल यूज करेंगे, सिर्फ एक ही ऑक्टेन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नोनेन सेम एज, सेम एज यानी पहले के जैसा ही होगा, यानी इसमें 8 कार्बन सीधे रहेंगे और सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसो फॉर्म कहेगा, ठीक है ना। याद रखना है कि सेकेंड लास्ट पर ही होना चाहिए, ठीक है, कहीं बीच में इन बिटवीन हो तो उसको हम आइसो नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉमन नेम जो है वो एक लिमिटेड कंपाउंड के से रिलेटेड है, सभी के लिए अप्लाई नहीं होते। तो ये हो गया हम लोग का आइसो का। अब हम लोग बात करते हैं नियो का, नियो अल्केन का, ठीक। नियो ये भी प्रेफिक्स है, तो नियो अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे सभी के सभी स्टेट में लिखे जाएंगे, लेकिन इसमें कितने को छोड़कर, 2 को, यानी ऑल कार्बन्स आर रिटेन इन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फॉर्म एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर, और वो 2 अल्काइल ग्रुप या 2 कार्बन ग्रुप अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर अटैच होना जरूरी है, ठीक। जैसे अगर हम कहें, और ये इसका स्टार्टिंग जो होता है वो 5 या 5 कार्बन से ज़्यादा हो, जैसे अगर हम कहें नियो पेंटेन, ठीक, तो 5 कार्बन है तो इसमें 2 को कम कर देंगे 3, और सेकेंड लास्ट ये ऐसा, तो ये हमारा क्या होगा, नियो पेंटेन। सेम टू सेम अगर हमको नियो हेक्सेन लिखना है तो क्या करेंगे, 6 कार्बन है तो 4 को सीधे लिख दो और सेकेंड लास्ट पर 2 कार्बन जो बचा है वो ये लिख लो, ठीक। अब देख लो अगर इसको फुलफिल करना है तो कर दो, ये H2 और ये H3, ये तीनों जो है वो 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये हमारा 4 डिग्री, ये क्वार्टनरी कार्बन है।
और ये सभी हाइड्रोजन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन और ये प्राइमरी, क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये पहचानेंगे। और इसमें अगर हमको आ जाए नियो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। ये जैसे लिखा जाएगा वैसा ही है, सेम रूल को ये फॉलो करेगा। जैसे आप देखो नियो ऑक्टेन में 8 कार्बन, उसमें 2 कम कर दो तो ये 6 कार्बन सीधे होंगे, सेकेंड लास्ट पर ये अटैच हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, नियो ऑक्टेन। और इसमें आप हाइड्रोजन फुलफिल कर सकते हो, ये H2, ये H2, ये H2 और ये H3। आप देख रहे हैं कि नियो में एक न एक क्वार्टनरी कार्बन हमको मिल ही रहा है, ठीक है ना। ये सभी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, ये हमारा प्राइमरी। तो इस तरह से हम लोग आइसो नियो नॉर्मल अल्केन लिख सकते हैं और साथ साथ उसकी डिग्री भी पहचान पाएंगे, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अब साथ में ही कुछ रेडिकल की बात करते हैं, ठीक है ना। रेडिकल का मतलब है कि अगर कोई भी अल्केन है तो अगर उससे हाइड्रोजन निकाल दो तो वो हमारा जो बचता है वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है, ये हमारा रेडिकल कहलाता है। ये कंप्लीट नहीं है, ये अल्काइल रेडिकल हमारा कहलाएगा। जैसे अगर देखो CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये ऐसा बनेगा। तो रेडिकल में एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो ये मिथाइल रेडिकल हो गया, ठीक है ना, मिथाइल, ओके। अगर इस तरह से लिखें CH3CH3, ये इथेन है, इसे अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो ऐसा ये बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल रेडिकल, ठीक। 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलेंगे, तो इसको हम लोग प्रोपाइल रेडिकल बोलेंगे। अगर ये नॉर्मल प्रोपेन है तो ये नॉर्मल प्रोपाइल होगा, ठीक। तो थोड़ा बात करते हैं आइसो नियो प्रोपाइल का या ब्यूटाइल का, कुछ इस तरह से आइसो के टर्म। तो ध्यान देना है कि अगर हम ऐसे लिख दें ऐसा, ठीक, ये है हमारा आइसो ब्यूटेन। अब देखो ये प्राइमरी है, प्राइमरी प्राइमरी, ये तीनों इक्विवेलेंट है, ये हमारा टर्शियरी है। तो यहाँ पर अगर ये अगर प्राइमरी 1 डिग्री से अगर हाइड्रोजन निकल जाए 1 डिग्री से CH2, तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसो में हमेशा याद रखना है कि वो हाइड्रोजन कहाँ से निकले, 1 डिग्री से। आइसो में कहाँ से निकले, 1 डिग्री है से ही निकलना चाहिए, आइसो हो नियो हो सब में 1 डिग्री से ही निकलना जरूरी है। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये कहलाएगा। अगर इससे निकले या इससे निकले या इससे, ये तीनों इक्विवेलेंट है। अगर इससे हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो सोचो ऐसा, तो ये हमारा 3 डिग्री से निकला, तो इसको हम लोग 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री को टर्ट भी लिखते हैं, TERT, ठीक। कुछ और सीखते हैं, अब देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। तो इसमें हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं। आइसोपेंटेन में ये हमारा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है ना। इसमें ये हमारा ग्रुप होना कंपलसरी है, आइसो में ये 3 होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट वाले यही आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1 डिग्री से ही इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री से निकल गया तो कुछ ऐसा बनेगा
सी एच टू ये 1 डिग्री से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल ग्रुप, ये आइसोपेंटाइल। अगर यहाँ से अगर निकल जाता तो ये हमारा 2 डिग्री कहलाएगा, ठीक, और यहाँ पर निकलता तो ये 3 डिग्री का कहलाएगा। तो आइसो के लिए उसको 1 डिग्री से ही निकालना जरूरी है, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से हम लोग ये सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। और देखो इसमें ये ग्रुप है, अगर हम कहें ऐसा आइसोहेक्सेन, ये आइसोहेक्सेन हो गया। अगर आइसोहेक्साइल अगर बनाना है तो ये ग्रुप तो कंपलसरी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसमें आप चेक करो 1 डिग्री कौन है, तो ये 1 डिग्री है, इसी से हाइड्रोजन निकालना है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं CH2 दिस, वो हो गया आइसोहेक्साइल ग्रुप, आइसोहेक्साइल, ठीक। ये अगर हम निकलेगा तो ये 2 डिग्री, ये निकलेगा तो 3 डिग्री, लेकिन आइसो के लिए वही है। अब हम लोग बात करते हैं नियोहेक्सेन से या नियो कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलेगा तो भी हेक्साइल कहलाएगा। जैसे कि नियोपेंटेन लेते हैं, नियोपेंटेन को हम ऐसे लिखते हैं, ये नियोपेंटेन हो गया, ठीक है, ओके। अगर इससे हाइड्रोजन निकाल दें क्योंकि चारों इक्विवेलेंट है, तो ये हो गया नियोपेंटाइल, ठीक। तो नियो में ये हमारा ग्रुप होना जरूरी है, ठीक। अगर हम ऐसे लिख दें ये नियोहेक्साइल है, नियोहेक्साइल, तो सबसे पहले बात यह है कि इसमें कंपलसरी टर्म कौन है ये निकाल दो, और 1 डिग्री से निकालना है तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से ही निकालना जरूरी है। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं CH2 और CH2 ऐसा, ये हो गया हमारा नियो, ये तो हेक्सेन है और ये हमारा हेक्साइल है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आइसोनियो का भी सिलेक्शन किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ है प्रॉब्लम, जैसे ऐसे लिखे CH3 और ऐसे, ठीक, CH3, तो ये ग्रुप तो इसमें है, तो ये हमारा आइसो प्रोपाइल हुआ और ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी हुआ। अगर हम इसको एक्सेप्शन मान लें तो आइसोप्रोपाइल जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है सेकेंडरी, तो इस तरह से बेटर नेम होता है ये। तो मात्र एक एक्सेप्शन आता है 2 डिग्री का आइसोप्रोपाइल में, अदरवाइज आइसो हो या नियो प्रोपाइल हो या पेंटाइल हो या आइसो अल्काइल हो या नियो अल्काइल हो, तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो हमारा 1 डिग्री से ही निकलेगा। याद रखना है कि आइसोप्रोपाइल में ही 2 डिग्री है, अदरवाइज सभी के सभी क्या होंगे, 1 डिग्री होंगे। जिस दर से सेकेंड लास्ट में जो कार्बन अटैच हुआ है उसके दूसरे साइड में ही प्राइमरी से हमको रिलीज करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन है। कुछ अब और बात करते हैं हम लोग, इसे देखो, इस साइकिल के सराउंडिंग कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं,
तो ध्यान देना है ये 1, 2, 3, 4, इसका अर्थ ये है कि ये 2 डिग्री हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है, ये हमारा 2 डिग्री प्रोपाइल है, लेकिन हम इसको आइसो प्रोपाइल बोलेंगे, अभी हम लोग बात किए, ठीक। और ये हमारा कौन है, तो इसका अर्थ ये है कि ये 1 डिग्री है, और इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा नियोहेक्साइल ग्रुप है। तो इस तरह से ये नियोहेक्साइल ग्रुप अटैच है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड आए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारा ग्रुप है। अगर यहीं पर थोड़ा सा देखें कि अगर हम ऐसा लिख दें तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल नहीं हो जाएगा, अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आइसो प्रोपाइल किसके लिए, सिर्फ 3 पर ही पॉसिबल है 2 डिग्री में, नहीं तो सभी आइसो या नियो हमेशा 1 डिग्री के साथ है अटैच होना चाहिए, जैसे ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आइसो प्रोपाइल अगर होते ही ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाता। तो ये कुछ रहा हम लोग का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में नॉलेज, आइसो नियो के बारे में नॉलेज, और इस तरह से अब हम लोग किसी भी अल्केन के साथ रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके हम उसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही लिखने वाले हैं, फंक्शनल यानी कॉमन नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग। ओके।